नमस्कार, नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। आपको बता दें कि अघन जो कि हिंदी मासिक का एक माह होता है और आज के दिन आपको बता दें कि जम्मू जिले के झाझा में एक ऐसा धार्मिक पूजा जो लगभग विगत 80 वर्षों से चला रहा है, यानी आप कह सकते हैं हमारे पूर्वजों के एक प्रथा के रूप में ये धार्मिक पूजा हमेशा की जाती है और ये लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ के लोग इसे मनाते हैं। और तो और यहाँ पर पूरे ही हिंदू रीति रिवाज के साथ, पूरे विधि विधान के साथ विधिवत पूजा संपन्न होता है। सुबह में यानी प्रातः लगभग 9 से 10 बजे के बीच नदी से युवतियाँ जो रहती हैं वो जल लाती हैं और शिव को वो आराध्य के रूप में उसे जल को अर्पित करती हैं। हालांकि यहाँ पर अभी हम संध्या का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरा जर्नलिस्ट से कहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा से आप दिखाएं यहाँ का नज़ारा कि किस प्रकार से ये मंदिर जो है लाइटों से सुशोभित हुआ हुआ है। लोग यहाँ पे उपस्थित हैं अपने आराध्य को, यहाँ पर अपने धर्म को पूजने के लिए। और हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि वो इस पूजा में किस भगवान को आदर्श मानेंगे और इस पूजा के द्वारा लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। हमारे साथ वार्ड पार्षद कालिकांत साहब भी जुड़ेंगे जो अपने बातों से कहीं ना कहीं बताने का प्रयास करेंगे कि ये पूजा का वास्तव में अर्थ क्या है। कालिकांत जी, नेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन ये जो पूजा विधिवत संपन्न किया जाता है? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामधुन अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया, जबकि पिछले कई वर्षों से हम लोग को याद भी नहीं है, बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से ये अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया जाता है। पूरा गांव राममय हो जाता है, पूरा गांव जय श्री राम के नारों से गूंज उठता है और ये 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन जो होता है से हम लोग को मतलब बहुत लंबे समय से आस्था है भगवान राम में और हमारे आराध्य श्री राम हैं। इसलिए मैं सबों को बधाई देना चाहूँगा हमारे इस रामधुन अखंड हरि कीर्तन में आकर अपना अपना सौभाग्य की को सुनिश्चित करें। कहीं ना कहीं अयोध्या में भी जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उससे भी आप लोगों की जो भावना है वो जुड़ी हुई है इस पूजा के द्वारा? अयोध्या राम मंदिर में तो भावना जुड़ी हुई ही है, उसमें कोई संशय नहीं है, पर यहाँ पे हमारे यहाँ भगवान राम को लेकर हर वर्ष जय श्री राम के नारों से गूंज उठता है। ये हमारा पूरा गाँव श्री राम भक्तों से भरा पड़ा है और हर वर्ष इसी तरह अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया जाता है। बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे जो लगातार, प्रवीण जी की मैं बात कर रहा हूँ, जो लगातार हर एक छोटे बड़े कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाकर लोगों को एक शुभ संदेश देने का कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वो हर एक पूजा से लेकर हर एक जो समाज के लिए जो समारोह किया जाता है उसमें वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज के दिन ये पूजा विधिवत किया जा रहा है, क्या संदेश जानना चाहेंगे समाज को या फिर क्या कहना चाहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भारतवर्ष के लिए एक आदर्श पुरुष थे, जिन्होंने पति धर्म, राजधर्म और प्रजा धर्म को निभाया। हम लोग भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक मार्गदर्शक मानते हैं, एक आराध्य मानते हैं। इस हेतु आज के ही दिन भगवान श्री राम का माँ जानकी के साथ विवाह हुआ था, जनक महाराज जनक की पुत्री सीता के साथ विवाह हुआ था। उस विवाह उत्सव को हम लोग लगातार मनाते हैं। यूँ कहा जाए भगवान राम के मंदिर तो चरघरा में 2003 में स्थापित हुआ, लेकिन ये अष्टजाम का आयोजन 1938 से चल रहा है, जो हमारे पूर्वज निभाते आ रहे हैं और इस परंपरा को हम जीवित रखना चाहते हैं, विश्व की मंगल कामना करना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। देखिए, आप राजनीति से लेकर पारिवारिक स्थिति तक वो सब अपनी जगह, लेकिन कहते हैं ना कि भारतवर्ष एक ऐसा धार्मिक देश है जहाँ पर लोग अपनी पूजा में सब चीज़ सुख दुख सब कुछ भुलाकर आपसी भाईचारे के साथ हर एक पर्व त्यौहार को सुख और समृद्धि के साथ निभाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ सूरज जी जुड़ेंगे। सूरज जी, आज का जो पूजा हो रहा है विधिवत, इस पूजा को लेकर समाज से क्या जुड़ा हुआ आप संदेश देना चाहेंगे या फिर इस पूजा के लिए भगवान श्री राम को आराध्य माना गया तो क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि भगवान श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाने जाते हैं और हम सभी उनको आराध्य मानते हैं, इस तरह का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने चरघरा ग्राम में हुआ है और इस तरह के आयोजनों से हमारे समाज में, हमारे झाझा शहर में शांति की कामना करते हैं और इससे एक माहौल पूरा भक्तिमय हो जाता है। बच्चे बच्चे भी भगवान श्री राम को पूजते हैं, मानते हैं, इससे विश्वास जगता है
और इसी आयोजन के साथ बच्चे लोग भी काफ़ी उत्साहित होकर के इस राम धुन में सीताराम सीताराम का जयकारा लगाते हैं। इससे क्या है, बच्चों में भी एक संस्कार का संचार होता है। धन्यवाद। देखा कि ये कहीं ना कहीं पूजा से एक अपनी धार्मिक प्रथा से जुड़ी हुई एक ऐसी प्रथा है जो हर एक वर्ष लोग अपने आपसी भाईचारे के साथ निभाते हैं और कहीं ना कहीं पूरे समाज को ये संदेश जाता है कि विवाद कोई भी हो, हमें धार्मिक अपने धार्मिक पूजा में अपने सभी चीज़ों को विवादों को भुलाकर आपसी भाईचारे के साथ हर पर्व को हर पूजा को एक साथ भाईचारे के साथ उस पर्व को एकता दिखाकर निभाना चाहिए। तमाम आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और नेशन न्यूज़ को देखते रहे। धन्यवाद।